अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग पार्ट टू, जिसमें हम ट्विटर, गूगल प्लस और पिंट्रस्ट को जो है सिर्फ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह स्टम्बल अपॉन रेडिट और उसके अलावा क्या था उसका नाम, और कुछ मजीद जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स, अभी मुझे तीसरे का नाम नहीं याद आ रहा। एक तो फेसबुक हो गया, उसका मैंने आपको बता दिया है, और सबसे ज़्यादा आपको जो है वो फेसबुक से ही आएगी। उसके बाद हम ट्विटर, गूगल प्लस की बात करेंगे, उसके बाद हम पिंट्रस्ट की बात करेंगे। ट्विटर और जो है पिंट्रस्ट वो काफ़ी आसान है, ठीक है, और गूगल प्लस जो है हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, इतना भी नहीं लेंथी। बेसिक चीज़ें जो है ना फेसबुक से आपको पता चल गए हैं। बाकी मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देता जाऊँ तो एक मेरा तीन आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के होंगे। एक में फेसबुक का मैंने डिस्कस किया, एक का ट्विटर, गूगल प्लस और पिंट्रेस्ट का मैं डिस्कस करूँगा, एक में रेडिट और स्टम्बल अपॉन का आपको जो है ना बताऊँगा, और उसके बाद जो है ना मैं कुछ टिप्स दूँगा। लेकिन अभी से मैं कुछ जो है ना वो टिप्स दे दूँ आपको। टिप नंबर वन आपके पास ये है कि आप लोगों ने एक हैश टैग यूज़ करना है, ठीक है, ये हैश होता है। और साथ में जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एस ई ओ के रिलेटेड है तो मैं एक यूनिक सा हैश टैग यूज़ करूँगा, और फेसबुक पे भी मैं यूज़ करूँगा, ताकि फेसबुक पे ये होता है कि अगर हैश टैग आपको नज़र आ जाए, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें तो उस हैश टैग जितनी भी पोस्ट पे यूज़ किया होता है वो सारी पोस्ट मिल जाती हैं। तो जितनी भी आपकी पोस्ट शेयर हुई होंगी, चाहे वो पेज के ऊपर है, चाहे वो जो सा है आपके ग्रुप्स में है, या प्रोफाइल पर है, जहाँ पे भी है, वो हैश टैग से आपको जो सा वो प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। तो फेसबुक पे भी कोशिश कीजिएगा कि आप जो सा हैश टैग यूज़ करें, गूगल प्लस पे भी कोशिश करें कि यूज़ करें, और ट्विटर पे तो आपने लाजमी ही टैग्स जो से हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं ट्विटर से। ट्विटर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपके पास ट्रैफिक तब आती है जब आपके पास फॉलोअर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, फॉलोअर्स का मैं आपको एक टिक बता दूं। एक तो हैशटैग है, ऊपर से फॉलोअर्स इंक्रीज करने का एक तो ये है कि फॉलो अदर्स एंड वेट फॉर देम टू फॉलो बैक यू, ठीक है। और उसके अलावा जो सन अगर फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने की बात की जाए, तो जब आप किसी को फॉलो कर लें और आप चाहते हैं कि उसको करना चाहें, तो आपके पास मैसेज का ऑप्शन होता है। अब मैसेज में जो सन एक आप अच्छा टेम्पलेट बना लें और बता दें कि भाई, और उसमें साइट भी इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं शाहजेब शफी और मैं एक ब्लॉग चला रहा हूँ, मैंने आपको फॉलो किया, आप मुझे फॉलो बैक करें, ताकि जो है ना कम्युनिकेशन हो इस तरह, और आप आइडियाज़ वगैरह इस तरह शेयर कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह के मैसेजेस करते हैं तो आपकी वो यूनिकनेस में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, तो अब मैं हर बंदे को जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको फॉलो बैक करूँ या उनकी प्रोफाइल्स चेक करूँ, लेकिन जब मैं मैसेज करूँगा वो मेरा मैसेज रीड करेगा, ठीक है। और मैसेज रीड करने के बाद क्या करेगा कि वो उसके जहन में आ जाएगा कि हाँ यार, फॉलो कर लेते हैं अगर उसने फॉलो किया है, और देख लेते हैं क्या सिस्टम है उसमें। आप देते हैं कि मैं जो है ना ब्लॉग रन कर रहा हूँ, इसके लिहाज से मैं शेयरिंग ये वो, तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है, उसको भी पता चल जाता है। और आप जो है ना इंटरेक्शन जब करते हैं, ठीक है, जब आप एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक आपने जो ऑथर का ऑथर प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, वो आपने ट्रैफिक के लिए नहीं बनानी, ठीक है, ट्रैफिक उससे आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपने उसको जो है वो यूज़ करना है, उसका जो मेन पर्पज़ होगा वो आपने ब्रांडिंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। ब्रांडिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जो है पेरेंटिंग के ऊपर है, तो लोग क्या करेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्स के ऊपर है, तो लोग क्या करेंगे कि जब उसको उनको जो है ना वो चाहिए होंगे, आर्टिकल्स चाहिए होंगे, कुछ जानना चाहते हैं, और उनको पता है कि यार ये आर्टिकल एक तो
उसको जो ना पता चल जाता है कि भाई ये उसकी वेबसाइट है, मैं उसकी वेबसाइट पे जो ना वो जाके देख लेता हूँ अगर इसके ऊपर मुझे कंटेंट मिल जाता है। सर्च की ऑप्शन वेबसाइट पर होती है और वहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट बार बार, अब फॉर एग्जांपल बैकलिंकों की बात करें, अब हमें एसईओ का चाहिए होता है तो हम बैकलिंकों की तरफ जाते हैं, हम हमें अगर कोई अपडेट्स या कुछ इस तरह के सिस्टम का चाहिए, हम सर्च इंजन लैंड के पास जाते हैं, हम क्विक स्प्राउट के पास जाते हैं, मैथ्यू वुडवर्ड की तरफ जाते हैं, या अगर हम बात करें कि हमें कोई वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब की तरफ जाते हैं, अगर हमने किसी के साथ इंटरेक्शन करनी है फेसबुक की तरफ जाते हैं, अगर कोई चीज़ सर्च करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम गूगल की तरफ जाते हैं। तो ये ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग का मतलब ये भी है कि आप किसी के जहन में बैठ जाएं, आपकी वेबसाइट जो सी है वो उसके जहन में बैठ जाए। तो जब हम सोशल शेयरिंग करते हैं उसे ब्रांडिंग इस तरह बनती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिंक शेयर किया, उसने कहा चलो मैं पढ़ लेता हूँ, वो आपका एक आर्टिकल पढ़ लेता है, एक वो हाई क्वालिटी आर्टिकल होता है और वो आपने अच्छा लिखा होता है, उसको पसंद आ जाता है, ठीक है, पसंद आ जाता है, वो शेयर भी कर देता है, नहीं शेयर करता तो कम से कम अपने पास रख लेता है। दूसरी दफ़ा आपका जो उसने साइट का फिर यूआरएल निकलेगा, एक अच्छा टॉपिक होगा, कहेगा चलो इसको भी पढ़ लूँ, तो वो जब आपका दूसरे दो तीन दफ़ा पढ़ेगा तो उसको जो ना वो आपके आर्टिकल मज़े आ उसको जो ना वो अच्छा लगने लगेगा, उसके आर्टिकल आपके रीड करने में मज़ा आएगा उसे, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, बुक मार्क करेगा, और बुक मार्क भी जो ना वो एक रैंकिंग सिग्नल है, वो भी आपकी वेबसाइट के लिए सेहत आपकी सेहत के लिए अच्छा है, सॉरी साइट की सेहत के लिए अच्छा है। तो बुक मार्क्स भी होते हैं, उसके बाद शेयरिंग्स भी होते हैं, बार बार उस वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो इसको कहते हैं रीडरशिप। एक तो होता है कि विजिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो जब आपके विजिटर बन जाते हैं वो उसको काम मिला वो चला गया। रीडरशिप ये है कि आपका वो जो ना हर आर्टिकल रीड करता है। फॉर एग्जांपल मेरी एक ऐसी वेबसाइट है, मैं कभी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आर्टिकल दे देता हूँ, मैं कभी किस चीज़ के ऊपर देता हूँ, तो उससे ये होता है कि वो बार बार मेरी वेबसाइट पर आता है, तो एक दूसरा रिटर्निंग विजिटर आ जाता है, तो हम उसको रीडरशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में जो सर हम उसको कस्टमर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम उससे लीड्स भी निकलवा लेते हैं। तो ब्रांडिंग ये चीज़ है। बाकी एक आपने जो सर उसको ब्रांडिंग को लेकर चलना है और वो ऑथर का है, और इसमें आपने मैंने बताया था कि प्रोफाइल के ऊपर आपने जो सर वो नहीं करना, कि आप जो सर वो प्रोफाइल पे जो सर वो शेयर करें, प्रोफाइल को क्लीन रखें, रिलेटेड इमेजेस अच्छी अच्छी पोस्ट करें, लोगों से इमेज सॉरी इनबॉक्स में जो ना थोड़ी कन्वर्सेशन करें, अपनी वेबसाइट के बारे में अवेयर करें, ताकि आपकी वेबसाइट देखे तो गए भाई ये उस बंदे की वेबसाइट थी, तो आर्टिकल अच्छा है तो मैं जो सर इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और शेयर और लाइक्स आपकी पोस्ट पर जो आएंगे जिसमें आपने लिंक शेयर किया होता है, वो भी एक जो सर वो रैंकिंग सिग्नल गूगल को दे रहा होता है कि भाई लोगों को पसंद आ रहा है और लोग जो सर उसको आगे से शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो नो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, और तकरीबन आप 10 बना लें तो अच्छी बात है, कम बना लें तो जितनी ज़्यादा होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता रहा, सिर्फ आपको जो सर 10 बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सोशल सिग्नल्स का सहारा लेना है, ठीक है। तो सोशल सिग्नल्स में जो सर 9 जो आपने मज़ीद प्रोफाइल्स बनानी है उसको आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, ठीक है। और ऑथर प्रोफाइल से मुराद ये है कि अगर आपका एक फॉर एग्जांपल शाहजेब शफ़ी ऑथर का नाम है shahzebshafi.com का, तो मैं ट्विटर के ऊपर भी शाहजेब शफ़ी रखूँगा, ठीक है, और फेसबुक के ऊपर भी रखूँगा, पिंटरेस्ट के ऊपर भी रखूँगा, सब के ऊपर मैं सेम रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो यूज़र नेम हो वो भी सब प्रोफाइल के ऊपर सेम हो, मेरा जो सा है वो यूआरएल में जो यूज़र नेम आता है वो भी सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे शाहजेब शफी नहीं थी मिला तो मैंने 00 वैसे ही अकाउंट बना लिया, ठीक है, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, और ये जो है ना मैं 00 अब सारे प्रोफाइल के ऊपर यही यूज़र नेम रखूँगा हर जगह, ताकि फॉर एग्जांपल शाहजेब शफी वो देखता है कि यार यहाँ पे 00 के साथ है तो मैं देखता हूँ कि पिंटरेस्ट के ऊपर जो है ना वो है कि नहीं। उसके अलावा जो है ना आपकी साइट्स के ऊपर भी सोशल शेयरिंग बटन्स होने चाहिए, वो मैं बाद में देखूँगा आपके, ठीक है। और ये आपने जो सिस्टम रखना है, सोशल शेयरिंग बटन्स भी होने चाहिए, यानी कि ताकि यूज़र साइट का यूआरएल कॉपी करके फिर वो करे, वो साइट लीव किए बगैर ही जो सर प्रोफाइल पे शेयर कर सके, तो वो प्रोफाइल जो सर वो आर्टिकल के नीचे आपका शेयरिंग बटन आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सर विजेट्स में आता है कि फॉलो मी, तो वहाँ पे भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देने हैं ट्विटर के, ताकि वो आपके अपडेट्स से जो सर वो वाकिफ़ रहे, पेज भी जो सर अगर आप वहाँ पर लिंक कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो नो जो सर आप किसी भी किस्म का जो है ना वो रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक का बताया था ग्रुप का,
ग्रुप लोग कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों ग्रुप यूज़ करें। तो ग्रुप आपको मैं अभी से बताता हूँ कैसे यूज़ करना है कि ग्रुप में, फॉर एग्जांपल, एक तो आपने जो है वो ऑथर प्रोफाइल से जो है वो जितने भी लोग हैं उनको जो है ऐड कर लिया। आप 9 में से तकरीबन अगर 1,000 यहाँ है, 1,000 यहाँ है, तो अगर 1,000 1,000 यहाँ पे भी मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, और जब तक आपके 1,000 1,000 नहीं हो जाते, आपने तब तक ग्रुप में किसी को भी ऐड नहीं करना। तो 10,000 आपके पास आ जाएंगे, जो इरिटेट होंगे वो लीव कर जाएंगे, उसके बाद कुछ एक्टिव रह जाएंगे। उसके बाद आपने जो है ना 1-2 हफ्ते अच्छी अच्छी पोस्टिंग करनी है, और साथ में जो है आपने जब 1-2 हफ्ता गुजर जाए तो आप जो है लिंक भी शेयर करें, साथ में जो है कोई अच्छा कंटेंट भी, ताकि ग्रुप एक्टिव रहे, ठीक है। और आपको वहाँ से, फॉर एग्जांपल, 10,000 हैं तो आप एडमिन हैं, तो जाहिर सी बात आपके पास वो फ्रेंड्स भी हैं, तो सबको नोटिफिकेशन, तो अच्छी खासी आपको जो है ना सोशल सिग्नल्स बन जाते हैं। आपके सोशल सिग्नल्स हम सिर्फ जो है ना वो अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं देते, हम बैकलिंक के लिए भी देते हैं, ठीक है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने बैकलिंक बनाया या फिर कुछ और चीज़ें बनाई, और जो है ना प्रोफाइल्स भी जो है ना ऑदर प्रोफाइल पे तो खैर आपने कोई नहीं शेयर करना, लेकिन ऑदर प्रोफाइल जो है वो आपने कुछ करना है कि 9 के 9 के ऊपर जो है ना वो कभी कभी आप जो है ना वो शेयर कर दें, ठीक है। और ये है कि एक्सेसिव कुछ भी नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल आपके न्यू अकाउंट्स हैं, थोड़ा सा इनको एज होने दें, 4-5 जो है ना स्टार्टिंग में फ्रेंड्स ऐड करें, और 2-3 जो है ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, जब तक अप्रूव ना कर लें दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन ना करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट देख लें 2-3 दिन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना वो आप जो है ना उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट जो सेंड की हुई है फेसबुक पे वो ब्लॉक कर दें। अगर गूगल प्लस की है या फिर जो है ट्विटर की बात करें, तो वहाँ पे भी आपने जो है ना वहाँ आँखें बंद करके जो है ना वो फॉलोअर्स नहीं करने, और कोशिश करें कि नीचे रेलिवेंट और जो है ना वो USA के लोगों को जो है ना आप ऐड करें और टारगेट करें, ठीक है। और अगर प्रोफाइल, अगर लिंक शेयरिंग भी है ग्रुप्स के अंदर, तो उसमें भी जो है वो ये नहीं करना कि एक ही वक्त में आप जो है ना घंटे में जो है ना वो 1-2 लिंक्स शेयर कर दें, उसके बाद कर दें। जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी ओल्ड हो जाएगी फिर आपको ये इशू नहीं होगा, नहीं तो आपके अकाउंट बंद हो जाएंगे, ठीक है। और सोशल स्टैगिंग जो मैंने बताया था कि एक प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल, ऑथर प्रोफाइल है, तो मैं कहता हूँ कि भाई फॉलो मी ऑन ट्विटर एज़ वेल, और ये मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर देता हूँ फेसबुक के, ठीक है। और जो ट्विटर पे मैं कहता हूँ कि फेसबुक पे मेरे ये अकाउंट है, मुझे यहाँ पे जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आपस में जो है ना वो इंटरनल लिंक करना है अपने सोशल प्रोफाइल्स को। अब जो ऑथर की बात कर रहा हूँ, बाकियों को जो है ना हम स्पैमिंग, स्पैमिंग से मुराद ये है कि हम उसे शेयरिंग करेंगे, हमने उसे ब्रांड नहीं करना। हमने हमारा मैक्सिमम मकसद जो सा होगा बाकियों से वो ये होगा कि हम जो सा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ट्रैफिक लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये थोड़ी सी बोरिंग बातें थी, अब जो है ना वो हम आ जाते हैं। और मैसेज कीजिएगा और उनको कहें कि भाई थोड़ी इंटरेक्शन करें, ताकि आपको जान भी ले और आप उनको मैसेज करें, इससे जो है ना आपके फॉलोअर्स भी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा एक्सेसिव नहीं करें, थोड़ा थोड़ा जो है ना वो करें। ट्विटर पे के ऊपर अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे प्रोफाइल में आएँ, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस होगी वेबसाइट की, ठीक है। तो आपने जो है वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लेनी है, और ट्वीट्स जो है वो आपने जो है ना तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे 10-15 जो है ना वो कर लें, ठीक है। इमेजेस ऐड कर लें, वीडियोस, वीडियो शेयर कर लें, टेक्स्ट शेयर कर लें, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ पे, तो ट्वीट्स आपके जो है ना वो ज़्यादा होंगे, तो फिर वो आपके लिए जो है ना वो अच्छा होगा। उसके बाद जो है ना वो जब आपके ट्वीट्स होंगे, तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे कि यार अच्छी ट्वीट्स दे रहा है, ठीक है। शेयरिंग आपने अभी नहीं करनी लिंक की। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है ना वो वेबसाइट का पूछेगा, ठीक है। आपने वहाँ पे जो है ना वो वेबसाइट जो है ना वो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेट मेरे ख्याल से स्लो है। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट्स, ठीक है। और एक और बात जो ब्रांडिंग में बहुत ज़रूरी है कि ट्विटर पे आपने दो ब्रांड को लेकर चलना है, ठीक है। फेसबुक पे तो जो है ना वो पेज, और पेज आपका वो काम कर देता है, प्रोफाइल वो काम कर देता है, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसे कि ट्विटर है, उसके ऊपर एक तो फॉर एग्जांपल शाज़ेब शफ़ी रखूँगा, ठीक है, जो मेरा यानी कि ऑथर का है, और एक जो है ना मैं रखूँगा भाई SU गाइड ब्लॉग, फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है ना वो इसके नाम से रख लूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि भाई मैं SU गाइड का ब्लॉग जो है ना उसकी सिर्फ शेयर करूँगा, ठीक है। तो एक जो है ना इस तरह के बना लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा।
तो ये है कि जो आपके पास ऑथर होगा, ठीक है, उसका जो कवर होगा, कवर में जो है ना, आप कवर अच्छा सा डिज़ाइन कर लें, आप ऑनलाइन भी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें जो है वो एक अच्छा सा कवर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स का है तो उसमें जो है ना वो पेरेंट्स को शो करवा दें, ठीक है, और पेरेंट्स शो करवाने के बाद वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है, और टेक्स्ट में जो है ना वो आप थोड़ा सा अपना स्लोगन ऐड कर लें। स्लोगन ऐड करने के बाद क्या करना है आपने कि आपने जो है उसमें वेबसाइट का नाम दे देना है, और प्रोफाइल पिक जो सी होगी वो आप जो है ना वो आपने एक क्लियर फेस होना चाहिए, ठीक है, और फीमेल है तो फिर आप कार्टून के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनके कार्टून जो फीमेल्स की पिक्स होती हैं आप उनके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्रोफाइल नहीं भी यूज़ करते तो इतना भी फिर भी इशू नहीं है। और आप जो है ना क्या क्या नाम लेते हैं, क्या 15 मिनट इसी पे हो गए, और जो है आप प्रोफाइल जो है ना वो एक लोगो भी रख सकते हैं, बाकी जो आपकी जो ब्रांडिंग की होगी या पेज है आपका, तो पेज में जो है ना कवर आपका वो लोगो लोगो ही आना चाहिए, प्रोफाइल में भी जो है ना वो लोगो आना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए कवर फोटो में, तो जो आपने यहाँ पे हेडर कवर आपने यहाँ पे डालना है वो आपका जो है वो होना चाहिए, क्या नाम लेते हैं, और अबाउट अस में भी ये प्रोफाइल्स आपने शो करवाने हैं, ताकि आपकी जब वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल शाज़ेब शफ़ी यहाँ लिखेंगे तो उसके जो है ना वो ट्विटर्स और इस तरह के प्रोफाइल्स भी आ जाएंगे जो लाइक वहाँ पे इंटरेक्ट हैं। हेडर में जो है ना एक अच्छी प्रोफाइल, उसमें स्लोगन हो, साथ में वेबसाइट, और बैकग्राउंड में जो है ना वो आपके नीचे रेलिवेंट कोई इमेज हो, प्रोफाइल में आप जो है ना अपनी क्लियर फोटो लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना कम अज़ कम ये करें कि आप जो है वो लोगो जो है ना आप यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे बायो में जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा एस के ऊपर है तो मैं कहता हूँ एम SU प्रोफेशनल, ठीक है, यानी कि जो मेरे मेन कीवर्ड्स हैं SU गाइडर, उसके बाद लिंक बिल्डर, ठीक है, और इस तरह के जो है ना मैं लाइक SU है तो फिर लिंक बिल्डर है और SU है गाइड है, तो इस तरह के जो है ना मैं कुछ लिख लूँगा, या फिर और साथ में जो है ना अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट का जो है ना वो है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का URL दे दें, ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हैशटैग भी यूज़ कर सकता हूँ SU गाइड, यहाँ पे SU कर लेता हूँ, और टिप नंबर 3 ये है कि जो भी लाइक अगर ट्विटर के ऊपर आप टैग यूज़ करते हैं उस टैग के ऊपर देखें कि कौन शेयर कर रहा है, वैसे तो आप नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर नहीं भी मिलती और ज़्यादा लोग शेयर करते हैं तो आप जो है ना उनका नाम टैग करके, ठीक है, आप उनका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है ना यहाँ पे यूज़र नेम है, जो भी यहाँ पे ये यूज़र नेम है, ठीक है, ये आप लिखेंगे तो ये जो है ना वो टैग हो जाएगा, और इसको आपने क्या कहना है थैंक यू फॉर शेयरिंग, ठीक है, इससे जो है ना अगला बंदा भी जो है ना वो थोड़ा सा देख लेता है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने हैशटैग SU यूज़ किया है, अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वैसे तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो प्रोफाइल भी आ रहे हैं, क्योंकि देखे ना SU है, SU है, SEO, SEO, ये जो है ना बायो में उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा जो है ना ये डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव सक्सेसफुल बिजनेस ब्रांड, और उसके बाद ये मेरे पास टैग आ रहा है, तो ये ब्रांड मी प्लीज़, ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे जो है ना आपको तकरीबन जो है ना वो SU के रिलेटेड आए हैं, ठीक है। अब एक तो ये है कि टैग से आप जो है ना वो आप अपने जो शेयरिंग आपकी आपका टैग होगा, और कोशिश कीजिएगा कि यूनिक टैग यूज़ करें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नहीं पता चल रहा यूनिक है कि नहीं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है तो फिर यहाँ पे आप जो है ना ये साइन यूज़ करके, ठीक है, आप इस तरह के भी टैग यूज़ कर सकते हैं। खैर अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे फॉलोअर्स जो से है वो आपने एक तो पीपल में कर सकते हैं, पीपल में करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जिन्होंने प्रोफाइल में जो से ना वो SU लिखा होगा आपको वो मिल जाएंगे बायो में, ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने फोटोज़ शेयर की हुई हैं जिसमें हैशटैग SU यूज़ किया आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ पेरेंटिंग, टिप्स कर लेता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे भी SEO आ रहा है, यहाँ पे भी जो है ना इसकी प्रोफाइल में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ ये कंटेंट मार्केटिंग और ये जो है ना इसका जो है ना वो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये यानी कि SEO के रिलेटेड है, तो मैं इसका भी देख लेता हूँ। बाकी सर्च हो रहा है अभी, जल्दी करो ना माड़ा। तो अब इनके जो फॉलोअर्स हैं मैं क्या करूँगा कि इनके फॉलोअर्स में जाऊँगा और रोज़ के जो है वो 10 से 15 लोगों को फॉलो कर लूँगा, ठीक है। और अगले दिन फिर मैं फॉलो कर लूँगा, फिर फॉलो कर लूँगा, फिर फॉलो कर लूँगा। और उसमें जो है वो मैं करूँगा क्या कि ऑलरेडी लोग आपको फॉलो बैक कर लेते हैं, उनको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी वजह से आप जो है ना काफ़ी देर हो गई है, आप जो है ना वो आपके फॉलोइंग ज़्यादा हैं, फॉलोअर्स बहुत कम हैं, ठीक है, और जो है ना वो सारा सिस्टम इस तरह है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं उन आपके पास यहाँ से भी मैसेजेस ऑप्शन है, और यहाँ से आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको जो है ना वो मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पे आपने क्या करना है कि वहाँ पे उनको मैसेज करना है कि मैंने आपको फॉलो किया, आप ही मुझे फॉलो करें, और ये मेरा ब्रांड है, और ये मैं इस तरह और इस तरह अपने बारे में कुछ अच्छे से मैसेज कर दें ताकि वो आपको फॉलो बैक कर दे। अगर वो फिर भी फॉलो बैक नहीं करें तो आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जो है ना वो लाइक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पे भी शो होगा, ठीक है, और शेयरिंग भी करते रहें ताकि लोगों को पता चले भाई आप दूसरों की भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ना वो कमेंट्स बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना वो कमेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है ना कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, तो इंटरेक्ट भी करें, ठीक है, बातें भी करें ताकि आपको पता चले। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली पेरेंटिंग टिप, अब इनको जो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा वो किस वजह से किया होगा कि ये जो है ना पेरेंटिंग टिप का जो है ना प्रोफाइल हम देखेंगे किस लिहाज से है। अब यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे बायो में जो है ना उसने SEO वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल पेट ट्रेनर हैं, पेट ब्रीडर हैं, या इस तरह का जो है, या पेरेंटिंग टिप प्रोवाइडर हैं, या फिर जो है ना कंसल्टेंट हैं, पेरेंट्स कंसल्टेंट हैं, पेरेंट टिप्स कंसल्टेंट हैं, जो आप यहाँ पे बायो में कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे इसने वेबसाइट यूज़ की हुई है। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे अगर आप लिखें तो यहाँ पे लाइक्स भी बता रहे हैं कि कितने लाइक्स किए हैं। अब आपने इनके फॉलोअर्स में जाना है, ठीक है, और देखना है कि कौन से जो है ना वो अच्छी अच्छी फॉलोअर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों ने उनको फॉलो कर लेना है, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आपने वेट करना है कि आपको फॉलो बैक करें, नहीं करें तो आप उनके उनको जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल डेली पेरेंटिंग टिप्स है। अब यहाँ पे जो है ना अगर आपने मज़ीद एक्टिव देखने तो यहाँ पे जो है ना वो आपको जो है ना वो नेट को क्या हो गया भाई। बाकी इस तरह जो है ना आपको जो है ना वो लोग भी यूज़ नज़र आएंगे जो सा है वो। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से यानी कि 70% नॉन ब्लॉगर्स को आप ऐड करें और 30% आप ब्लॉगर्स को ऐड करें और उनको उनसे जो है ना वो फॉलो करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके नीचे रेलिवेंट है, तो जब आप कोई आर्टिकल शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको भी पता चलेगा, इनकी न्यूज़ फीड में आएगा। न्यूज़ फीड में आने के बाद अगर उनको आर्टिकल आपका अच्छा लगेगा तो फिर क्या होगा कि वो आपको जो है ना वो आपके बैकलिंक्स देने में जो है ना वो फ़ायदेमंद होंगे, और ब्लॉगर्स के साथ जब आप अच्छे रिलेशन बनाएंगे या नीच रेलिवेंट है तो आप जो है ना वो गेस्ट पोस्ट और इस तरह के चक्कर भी जो है ना वो चला सकते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे देखते हैं और ये वो कमेंट और काफ़ी जो है ना वो चीज़ें आप कर सकते हैं, और आप जो है ना इनकी वेबसाइट पे कंटेंट आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पोस्ट नहीं मिलती तो ऑलरेडी ये लाइक हे बेबी टुक अ नैप इन हिज कार सीट बाय अ डे कार देन दे गॉट द टेरिफाइंग कॉल, और इस तरह जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, शेयर करेंगे दूसरों की तो आओ भी आपकी जो है ना वो शेयर करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल में अच्छी बना लें, ठीक है। पेरेंटिंग टिप्स जो सा है फॉर एग्जांपल है, तो पेरेंटिंग टिप्स ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर पेरेंटिंग जो सा ना वो गाइड करें पेरेंट्स, और इस तरह का जो सा जितने भी आपके मेन मेन कीवर्ड्स हैं उनको ट्राई करें, आपको जो सा ना वो पीपल भी मिलेंगे, आपको जो सा ना वो पोस्ट भी मिलेंगी, उनको फॉलो करें, ठीक है। और आपका जो सा ना वो जब 1,000 हो जाए तो फिर जो सा ना जब आप लिंक शेयर करेंगे तो आपका जो सा ना वो अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो सा ना टारगेट ये है कि आप 1 मंथ में जो सा तकरीबन 1,000 फॉलोअर्स अपने इंक्रीज कर लें, ठीक है। मैसेज करें, ठीक है, फॉलोइंग भी आपकी होनी चाहिए, जीरो पे भी नहीं रहना लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है, ताकि स्पैमी ना नजर आए। ट्वीट्स देखते हैं कि यार ट्वीट्स इसने काफ़ी ज़्यादा किए हैं तो वो आपको फॉलो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लाइक्स भी आपके देखने देखने होते हैं, और जो सी आपका बायोग्राफ होता है, और जो आपकी कवर, फॉर एग्जाम्पल डेली पेरेंटिंग टिप एडवाइस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, तो उसने जो सा ना वो यहाँ पे एक अच्छा जो सा ना वो ब्रांड का जो सा ना वो किया हुआ है, जो उसकी साइट का ब्रांड है, ऑथर का नहीं है, ठीक है। तो ये जो सा ना वो आपने करना है कि आप फॉलोअर्स करें, उसके बाद जो सा ना यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो जो सा ना ट्वीट करें, और ट्वीट में जो सा ना आप जो सा ना वो आपके पास इमेज का भी ऑप्शन है, GIF का भी ऑप्शन है, ठीक है, और पोल भी ऐड कर सकते हैं, लोकेशन डिसेबल है, और यहाँ पे जो सा ना आप कुछ भी कंपोज ट्वीट्स करें, लिंक दें, इमेजेस दें, जो भी करना है आप वो आराम से जो सा ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाई ट्विटर का। अब यहाँ पे जो सा ना पिंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे जो सा ना वो सेटिंग में जाएं, यहाँ पे प्रोफाइल में आएं, ठीक है, और यहाँ पे जो सा है आपके पास ये यूज़र नेम है, तो मैंने जो ट्विटर पे रखा है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का यूआरएल दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अबाउट यू में जो है ना वो कीवर्ड स्टफिंग कर दूँगा, ठीक है, और बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आप कनेक्ट टू जीमेल याहू इस तरह भी कर सकते हैं तो करना चाहें तो कर लें, ठीक है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। तो वेबसाइट यहाँ पे भी ऐड करें, अपना बायो भी ऐड करें। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब प्रोफाइल पे आएंगे, मैंने अभी बायो नहीं ऐड किया तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट क्रिएट अ बोर्ड करूँगा, ठीक है, और इसको मैं नेम रख लूँगा अपनी वेबसाइट के नाम से, वेबसाइट के नाम से मैं कर लूँगा, ठीक है। सीक्रेट मैंने नहीं रखना, जब मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, मैं अब इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी पिन्स यहाँ पे हैं वो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएंगी, ठीक है। और ये यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको बैगिंग, अब यहाँ पे आपने सेव पिन में जाना है, यहाँ पे दी अगर आप सिर्फ इमेज करना चाहते हैं तो आप इमेज कर सकते हैं, नहीं तो जो सा जो आपकी वेबसाइट का जो सा ना वो इमेज होगी, ठीक है, आप यहाँ पे यूआरएल दे दें, ठीक है। जब आप यूआरएल दे देंगे तो यूआरएल देने के बाद आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे इजीली जो सा है वो सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सेव पिन कर लें, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास इमेज आ जाती है, इमेज को ऐड करूँगा और मैं करके दिखाई देता हूँ, कुछ सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगी जो आपने, फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज करनी है, इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होगा कि कहाँ पे ऐड करना है, तो आपके यहाँ पे बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, अब मैं कहता हूँ कि इसमें ऐड कर दो। उसके अलावा जो सा ना यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो सा ना मैं कीवर्ड स्टफिंग कर दूँगा, या फिर मैं जो सा ना सिंपली जो सा ना वो यहाँ से टाइटल, जो मेरी वेबसाइट का टाइटल है, जो यूआरएल का टाइटल है, मैं वो यहाँ पर टाइटल देकर यहाँ पर जो सा ना वो सेव कर दूँगा, तो मेरे जो सा ना वो पिन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो सा ना बात आ जाते हैं कि फॉलोअर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और इमेज जो सा ना इस पर है, इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे आना है और सेव पिन कर लेना है, दैट्स ऑल दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, बाकी ये है कि फॉलोअर्स की अगर बात की जाए तो मैसेजेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं पेरेंटिंग कर देता हूँ,
ठीक है, तो पेंटिंग और तो एक तो यहाँ पे पीपल मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मेरे पास बोर्ड्स भी आ रहे हैं, मैं इस बोर्ड्स को ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे जो सारे पिंस हैं, यहाँ पे जो सारे पीपल में आ जाएं, ठीक है, तो ये सारे जो सारे पेंटिंग को लाइक करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको जो सारे वो एक टारगेटेड ऑडियंस का जो सारे वो मिल जाता है। आप बोर्ड भी दो तीन फॉलो कर लें, अच्छी बात है, खैर फॉलोअर्स तो इसके नहीं है। तो यहाँ पे जो से ना वो पिंस आ जाते हैं, ठीक है, तो एक जो से ना वो एक रफ रफ सा बना लें, जिस पे जो से ना सिर्फ आप शेयरिंग करते रहें, ऐसे अपनी प्रोफाइल में भी कर सकते हैं, लाइक सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितनी आपकी इमेजेस ज़्यादा होंगी उस उतने ही जो से ना आपके फॉलोअर्स के जो से ना वो चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पिंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाता जाऊँ तो मेरे पास इमेजेस की इमेजेस आई जा रही हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सारे इन्फोग्राफिक्स आ रहे हैं, आप इन्फोग्राफिक्स भी सर्च करें, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो सारे वो आ रहे हैं, ये इन्फोग्राफिक्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मैं इन्फोग्राफिक्स आपको बताऊँगा, ठीक है, वायरल कंटेंट में। यहाँ पे जो सारे बोर्ड्स में भी जा सकते हैं जो पेरेंटिंग के लिहाज से हो, और पे बोर्ड्स के जो सारे वो भी देख सकते हैं कि जो सारे वो उसके बोर्ड्स में जाएँ, बोर्ड्स में जाके फॉलोअर्स देखें, ठीक है, और उसके बाद जो सारे आप इजीली देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है, जो फॉलोअर्स हैं आप उनको भी जो सारे ट्विटर की तरह यहाँ पे पेरेंटिंग है, सनशाइन पेरेंटिंग है, और ये है और वो है, ठीक है, तो यहाँ से जो सारे वो रोज़ाना थोड़े थोड़े से जो सारे तकरीबन 10 10 15 जो सारे मैं फॉलो करके, ठीक है, और उसके बाद जो सारे इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, आपको जो सारे वो डिफरेंट कीवर्ड्स करें, पेरेंटिंग है तो पेरेंटिंग फॉर टॉडलर है, ये है वो, ठीक है, यहाँ पे जो सारे कोर्स है, उम्र है, उसके लिहाज से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिन ओपन की हुई है, तो एक तो आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सारे आपको जिसने शेयर किया है उसका भी मिल सकता है, यहाँ पे जो सारे वो कमेंट्स में जाएं तो कमेंट्स आपको पता चल जाएंगे कि भाई कौन कौन से कमेंट्स हैं, ठीक है, इसने भी कमेंट्स किया, इट्स वेरी नाइस पिक, तो आप इस इन इन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं, और ये एक्टिव प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, और इन्होंने जो सर इनको लाइक किया तो चांसेस हैं कि आपकी भी जो सर वो लाइक करें। फॉर एग्जांपल मैं इसके बोर्ड में जाता हूँ, ये जो पिन है, ठीक है, तो वहाँ से भी मुझे जो सर वो सॉरी ये तो वेबसाइट ओपन हो गई, इतने ज़्यादा बोर्ड्स भाई, नेट को भाई क्या हो गया, ठीक है, और जो यानी कि आपको जो सुना वो नहीं फॉलो करता, आप जो सुना उनसे पूछ सकते हैं भाई, मैं जो सुना वो इस तरह का कर रहा हूँ, मेरे इमेजेस और वो ये, तो आप उनको भी मैसेज करके कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी शेयर कर देता है, आपको पता लग जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको जो सर वो कमेंट का सेक्शन होता है वहाँ पे, आप जो सर उनको बता दें कि भाई ये सारा सिस्टम है, और इस तरह फॉलो करते रहें, फॉलो करते रहें, ठीक है, और आपको जो सर फॉलो बैक भी मिलेगा अगर आपकी पिंस जो सर वो अच्छी हैं, तो स्टार्टिंग में जो सर ना ब्रांडिंग होगी, बाद में जो सर ना आपके ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स ट्विटर फेसबुक हर जगह लाइक्स ये वो बढ़ते जाएंगे, फिर आपने जो सर सिर्फ शेयरिंग करनी है, और फिर आपको जो सर वो सोशल सिग्नल्स के मज़े आ जाएंगे। बाकी एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ आप जो है ना ब्लॉग्स के लिए भी ब्लॉग्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते,
ये आप निच रेलिवेंट्स अगर फाइवर प्रोफाइल्स बनाते हैं, ठीक है, खैर ये तो फाइवर के लिहाज से नहीं होगा, लेकिन फाइवर्स के ऊपर आप जो है ना वो गिग्स दे सकते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे या जो है ना वो सोशल सिग्नल्स देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स होंगी, अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे, तो आप जो है ना वो आराम से जो है ना इसके ऊपर गिग्स बना सकते हैं। उसके अलावा अगर यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाते हैं वो सेक्शन भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो लिंक्डइन था, कल स्टम्बल अपॉन, नेक्स्ट वीडियो में रेडिट, स्टम्बल अपॉन और लिंक्डइन का बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अगर कोई टिप्स वगैरह कोई सिस्टम होगा तो वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लास्ट पे आ जाते हैं भाई गूगल प्लस के ऊपर, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बाकी इसमें जो है ना वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता हो, ठीक है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, खैर कुछ को पता भी है तो अच्छी बात है। यहाँ पे लिखे हैं गूगल माई बिजनेस, यहाँ पे गूगल माई बिजनेस करें, ठीक है। गूगल माई बिजनेस का बिजनेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट लिखते हैं और आपकी प्रूव हो जाती है, तो जब आपकी वेबसाइट करें उसने वो इस तरह की आ रहा, यहाँ इस तरह के जो उसने वो फीचर्स स्निपेट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपके जो उसने वो यहाँ पे पेजेस भी शो होंगे और आपका फर्स्ट नेम होगा, तो साथ में जो उसने आपका मैप भी शो होगा, ठीक है, जो आपका मैप है। तो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग नाउ पे करता हूँ मैं, तो वर्चुअल ऑफिसेज होते हैं, वर्चुअल तो वो जो है ना आपको एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, स्पेस इन यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफिस और ये वो। तो ज़्यादातर ये पेड मिलते हैं, फ्री भी मिलते हैं लेकिन वो इतने खास नहीं होते, लेकिन वो लाइक आपको एड्रेस मिल जाता है, आपको फ़ोन नंबर भी जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बिजनेस नेम लिखते हैं जो आपकी वेबसाइट का है बगैर डॉट कॉम के, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आप कंट्री कंट्री लिख लेते हैं, स्ट्रीट एड्रेस आपको जो है ना वो यहाँ से वर्चुअल ऑफिस का मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सिटी लिख लेते हैं, उसके बाद आपका जो है ना वो पोस्टल कोड होता है, यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ता है, यहाँ पे कैटेगरी, कुछ कैटेगरी के ऊपर जो है ना वो आपको ये आपके एड्रेस के ऊपर जो है ना वो पिन सेंड करते हैं, ठीक है। और वो पिन जो है ना आप वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपका जो है ये अप्रूव हो जाता है, गूगल में शो होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो करने के बाद जो है ना आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शायद मेरे पास ये है, खैर तो वहाँ वहाँ से जो है ना आप वेबसाइट का जो है ना यूआरएल का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपके पास साइटेशन साइट्स होती हैं, ठीक है, लोकल साइटेशन होती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल येलो पेजेस हैं या येल्प है, ठीक है। तो ये आपके कंट्रीज के लिहाज से होता है, फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क का ओपन कर लेता हूँ, तो जितने भी होते हैं तो ये आपको यहाँ से जो है ना बैकलिंक्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइटेशंस होती हैं और काफ़ी अच्छी जो है ना वो आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी करना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर आपको कोई करें तो आप जो है ना ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो वेबसाइट का आप यूआरएल दे सकते हैं तो अच्छा खासा बैकलिंक मिल जाते हैं, और ये तो येल्प है, येलो पेजेस हैं और पता नहीं कौन कौन से वाइट पेजेस भी हैं, तो वहाँ पे जो है ना आपको लिस्ट मिल जाती है, 200-300 आपको मिल जाते हैं, तो आप उस रीजन के लिहाज से अच्छा खासा रैंक कर जाते हैं, अच्छा खासा आपको बैकलिंक मिल जाता है, ट्रैफिक भी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन अभी आपके लिहाज से नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना ये एड्रेस और ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, तो इस तरह का आपको भी जो है ना शो होता है। गूगल प्लस के ऊपर आ जाते हैं,
गूगल प्लस अगर आपका नहीं बना तो आपका जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आप प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोफाइल पे नहीं भी जाते तो यहाँ पे भी जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कभी भी कम्युनिटी का भी जो है ना वो आपसे पूछ लेते हैं। प्रोफाइल में जो है ना अपने ऐड जो है ना वो जो आपका क्या नाम लेते हैं, प्रोफाइल में जो है ना वो अबाउट में जाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें कीवर्ड स्टफिंग कर लें बायो में, ठीक है, और वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर लें, ठीक। इसे ही ब्रांडिंग कहते हैं। और कवर फोटो और ये सारा कुछ अच्छा बनाया, मेरी तो खैर इतनी नहीं। उसके बाद जो है ना वो कलेक्शन बना लें, ठीक है, जो यहाँ से कलेक्शन बना लें और वहाँ पे भी जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ये समझ लें कि जैसे कि पेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल कलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे फीचर करता हूँ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये, लाइक पेज की तरह है, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है। उसको अगर लोग लाइक करते हैं तो आपको जो है एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ फॉलोअर्स की, तो आप कम्युनिटीज़ में आएँ, ठीक है। पीपल भी आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे जो है ना, आप लिख लें सर्च कर लें, जैसे कि मैंने ट्विटर उसका बताया था, तो आपको जो है ना मिल जाएंगे कम्युनिटीज़ जो है ना। वो फेसबुक पे जिस तरह ग्रुप्स होते हैं ना उस तरह होते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे फीचर्स बता रहे हैं ना जो उनको लगता है कि भाई ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर मैं लिख देता हूँ भाई, ये तो खैर जॉनसन है वो, आप क्या नाम लेते हैं, क्यों नहीं आ रहा यार। तो ये मेरे पास जो है ना कलेक्शंस आ रही हैं, यहाँ पे जो है ना कम्युनिटीज़ आ रही हैं। अब कम्युनिटीज़ में क्या करना है, फेसबुक की तरह, फेसबुक ग्रुप्स की तरह ही हैं। आप जो है ना यहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जो क्राइटेरिया बताया कि बहुत ज़्यादा जो है ना अचानक से नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो आपने देखना है कि फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोअर्स कहाँ हैं भाई। फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ये ग्रुप नहीं अच्छा, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा तकरीबन फॉलोअर्स होने चाहिए। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ, तो मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पे वोट शो हो रहा है, ठीक है। और ये अगर वोट मिल जाता है गूगल जो है ना वो आपको आपके जो है ना वो ये आपके लिंक में सॉरी सर्च इंजन में जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके फॉलोअर्स जो है ना वो 400 हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो कर लेते हैं, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉलोअर्स में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मेरे पास जो है ना वो फॉलोअर्स इस ग्रुप के होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ना मैं ऐड करूँगा, लेकिन मुझे अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव चाहिए तो जो यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट्स देख लें किस किस्म की कर रहे हैं, उनको जो है वो भाई ये कैसे पेरेंटिंग टिप्स है, पेरेंटिंग टिप्स फॉर मंकीज। खैर अब यहाँ पे जो उसने इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस बंदे की जो उसने प्रोफाइल्स के फॉलोअर्स देखूँ, तो आप यहाँ से जो उसने वो फॉलोअर्स इसके भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसे लोगों को जो उसने फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपको फॉलो बैक करेंगे, उसके बाद इनको कॉन्टेक्ट करें और इनको बताएं कि भाई मैंने आपको फॉलो किया, तो आप भी मुझे करें, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। कम्युनिटीज़ में जो है फॉर एग्जाम्पल मैं मेम्बर जिनका हूँ वो देख लेता हूँ, नॉट, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसके मेम्बर्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा कि एक तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी वजह से ना मिले तो आप जो है ना यहाँ पे भी अगर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे कर लेंगे।
अच्छा गूगल प्लस पे ये करना है कि हैशटैग आप अगर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूआरएल आपका सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, आपने सबसे पहले यूआरएल देना है, बाकियों पे जो ना पहले आपने टाइटल लिखना है उसके बाद यूआरएल देना है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्या नाम लेते हैं, हाँ यहाँ पे पहले आपने यूआरएल देना है, उसके नीचे जो है आपने जो ना वो टेक्स्ट ऐड करना है, और कोशिश कीजिएगा, टिप मुझे एक और याद आ गई कि जब आप तो टिप नंबर 4 ये है कि जो सा आपने क्या नाम लेते हैं करना है, हाँ जो आपने पोस्ट करनी है, चाहे आप ट्विटर के अलावा और पिंटरेस्ट के अलावा, फेसबुक और गूगल प्लस की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने यहाँ पे करना है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सा ना सी मोर का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसका ये नहीं कि सिर्फ टाइटल और यूआरएल जो है ना पेस्ट कर दें, आपने जो है ना वो उसको पहले जो है ना वो बताना है कि है क्या, फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना पेंडिंग के ऊपर है नाउ अडेज पीपल, ठीक है, और ये मैं करता रहूँगा, थोड़ा सा जो है ना वो लंबा कर लूँगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है सी मोर ऑप्शन के ऊपर आता है, उससे ये होता है कि आपके जो है ना वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो लिख ले, क्योंकि आपने जो है ना उसमें स्ट्रेटेजी ऐसी यूज़ करनी है कि वो आपके लोग जो है ना वो क्लिक करें, अभी मेरे पास कोई कॉन्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास जो है ना वो नहीं मिल रहा, ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जैसे कि इस बंदे ने जो है ना वो टाइटल यूज़ किया, उसके बाद जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन दिए हैं, फनी वीडियो फॉर किड्स, सरप्राइज एग्स विद टॉयज फ्रॉम ये, तो ये जो है ना इमेज तो नहीं बता रहा सब कुछ, टाइटल भी इतना खास नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे दें तो उससे जो है ना वो जब यूज़र इस डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो वो जो है ना वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो पढ़ लेता है, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे तो वो आपकी वेबसाइट छोड़ देता है, और मैं समझता हूँ कि वो अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो उसको नहीं चाहिए कि आपके जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उसकी वजह यह है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा और देखेगा कुछ भी नहीं है खास, तो वो जो है ना वापस आ जाएगा, उसका मतलब कि नहीं है, तो उससे बाउंस रेट आपका जो है ना वो ख़राब होता है, और सेशन जो है ना ड्यूरेशन आपकी वेबसाइट पर होता है वो ख़राब होता है, तो आपकी मैक्सिमम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर ठहरे, बाकी इसने भी हैशटैग यूज़ किए हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, आप 2-3 जो है ना वो यूज़ करें, और कम्युनिटीज़ में जो जाकर जो है ना वो शेयर करें, और जो है ना प्रोफाइल में जाके भी जो है ना आप शेयर करें, और कलेक्शन बना ले, कलेक्शन में भी जाके आप जो है ना वो शेयर करें, ठीक है, और फॉलोअर्स इंक्रीज़ करें, कम्युनिटीज़ जो है ना अच्छी अच्छी ज्वाइन करें, और उसके बाद जो है वो आप जो है ना गूगल प्लस के लिए भी आप रेडी हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी जो मैंने 48 घंटों में कर दी, खैर तो ये सोशल प्रोफाइल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, ठीक है, और सोशल सिग्नल्स आपके लिए काफ़ी सेहत के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छी बात है अगर आपके पास जो है ना सोशल सिग्नल्स हों, और हम सोशल सिग्नल्स की पावर को निगलेक्ट नहीं कर सकते चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और ये फ्री की ट्रैफिक है, अगर आपके पास बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आती तो आपके पास अच्छी ट्रैफिक आ जाती है, लेकिन हम ट्रैफिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो है ना वो रैंकिंग अच्छी हो, हमारी साइट के ऊपर यूज़र आएंगे, गूगल के ऊपर शेयर होगा, इधर उधर शेयर होगा, यूज़र जब वेबसाइट के ऊपर आएगा तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ता है हमारे उस लिहाज से, और मेरे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स जो है ना वो देखे हैं मैंने, क्योंकि गूगल प्लस जो है ना वो हो जाते हैं, तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मज़ीद बाकी जो से हैं प्रोफाइल्स जो से हैं क्या नाम लेते हैं अगर कोई शेयर करते हैं तो आप जो है ना वो कभी कभी जो है ना खुद भी दूसरी प्रोफाइल से अपवोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा ताकि वो गूगल वो ये पता ना चले कि भाई ये तो कुछ और ही करने के चक्करों में, और कोशिश करें कि जो दूसरी प्रोफाइल्स में हैं वो आप इस प्रोफाइल पे आएँ जो आपकी ऑथर प्रोफाइल है, वहाँ से जो है ना आप कंटेंट शेयर करें, ठीक है, और उसको वहाँ से शेयर करें और प्रोफाइल्स पे शेयर करें तो और जो है ना वो एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट
नेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में मिलते हैं, और उसके बाद जॉनसन इंशाल्लाह आप काम स्टार्ट कर दें, और अभी से जॉनसन अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, और आर्टिकल्स जॉनसन है वो लिखना कोशिश करें कि जल्दी जल्दी से जॉनसन उसको भी कवर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यार मिलते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।